लंबे इंतजार के बाद अब पबजी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पिछले साल जिस पबजी को डेटा सुरक्षा के मामले में बैन किया गया था, अब इस पबजी की भारत में वापसी हो रही है। हालांकि इस बार नाम अलग है, लेकिन गेम के अंदर मजा लगभग वैसा ही मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था। पबजी मोबाइल इंडिया को फिर से शुरू करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी अब इस उद्देश्य से गेम के लिए नाम बदलने के लिए भी तैयार है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया पोस्टर जारी किया है, जिससे पता चलता है कि गेम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के तहत ही लॉन्च होगा। पबजी मोबाइल इंडिया का फेसबुक हैंडल और यूट्यूब चैनल पर पोस्टर और बैकग्राउंड बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में बदल दिया गया है। पबजी मोबाइल की पेरेंट कंपनी क्राफ्टन ने इसका ऐलान किया है। ये कंपनी साउथ कोरिया की है और इस गेम का टीजर भी जारी किया गया है। इसके लिए नया लोगो भी जारी किया गया है। शॉर्ट वीडियो टीजर में दिख रहा है कि ये गेम पबजी मोबाइल की तरह ही है, या आप इसे पबजी मोबाइल ही समझ सकते हैं। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के पोस्टर से ये भी साफ हो चुका है कि ये गेम पबजी मोबाइल का ही नया रूप है। ये गेम मल्टीप्लेयर गेम ही होगा और गेम में प्लेयर्स को कुछ खास आउटफिट्स भी मिलेंगे। गेम के फीचर्स भी इस बार खास होने वाले हैं और इसका जल्द ही प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने वाला है। क्राफ्टन के मुताबिक बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया एक बैटल रॉयल गेम होगा और लॉन्च से पहले इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये गेम सिर्फ भारत में होगा। इसके लिए कंपनी पार्टनर्स के साथ करार करेगी ताकि इस गेम के कंटेंट को और मजबूत बनाया जा सके। फिलहाल अगर बात करें पबजी के टक्कर की, तो इस वक्त भारत में कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और फौजी मौजूद है। हालांकि पबजी के फैंस को तो बस पबजी ही चाहिए, फिर वो किसी नए नाम से ही क्यों ना हो। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कब लॉन्च होगा, यानी इसे कब से आप इंस्टॉल कर पाएंगे, इसे लेकर कंपनी ने अभी कुछ नहीं कहा है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी प्राइवेसी की। क्राफ्टन यूजर्स डेटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है। कंपनी के मुताबिक हर स्टेज पर डेटा प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाएगा, यूजर्स की प्राइवेसी का भी सम्मान किया जाएगा और भारतीय रेगुलेशन का पूरी तरह से पालन भी होगा। आपको बता दें कि पबजी मोबाइल बैन होने की दलील सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन ही दी थी, इसलिए कंपनी नहीं चाहती कि फिर से ऐसा कुछ हो। न्यूज़ तक ब्यूरो।